एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव, मैंने क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी दो टाइप की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हमने की हुई है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमने की हुई है। इसमें ई की वैल्यू साइनोसाइडल चेंज होएगी तो एनर्जी डेंसिटी चेंज होएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, एनर्जी डेंसिटी भी चेंज होगी। पर हाँ, एक रूल पक्का है, अगर ई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ई कम तो बी कम। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में है उतनी एनर्जी मैग्नेटिक में, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, सेम। हम इंस्टेंटेनियस में काम नहीं कर सकते, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी है ई एम वेव के पास, आधी इलेक्ट्रोस्टैटिक आधी मैग्नेटिक, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आएगी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस में काम नहीं करते, क्योंकि साइनोसाइडल वैल्यूज हैं, तो याद करो एसी में भी क्या रिप्लेस करते थे, आई की जगह आई आरएमएस में काम करते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि हम इंस्टेंटेनियस में काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। एवरेज का मतलब, ये तो इंस्टेंटेनियस है, एवरेज का मतलब एक पूरे साइकिल में। तो एवरेज के लिए ई और बी को रिप्लेस करेंगे बाई ई आरएमएस एंड बी आरएमएस। तो ऊपर फॉर्मूले में ई और बी की जगह ई आरएमएस और बी आरएमएस। तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी नहीं, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। और हमारे न्यूमेरिकल किस में चलेंगे, एवरेज में ही चलते हैं, ठीक। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसके इक्वल है, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद के ये जो नीचे, और हाँ, ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई रूट टू, बी आर एम एस क्या होता है, बी नॉट बाई रूट टू। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास 2 × 2 = 4 ये टर्म आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। यहां तक क्लियर है? मैंने आपको ये बताया हुआ ऑलरेडी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी में आधी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है और आधी मैग्नेटिक होती है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। हालांकि मैंने ये नीचे प्रूव किया हुआ है, पर आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी याद होना चाहिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो ये प्रूफ का स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसके इक्वल है ना, और मुझे पता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्यों ना ऐसा करें, इस वैल्यू को इसी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, मतलब मैग्नेटिक हटा के इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऐड करके ये टर्म आ जाएगी, और ई नॉट स्क्वायर बाय रूट बाय टू को क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस। नेक्स्ट फॉर्मूला, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ई आर एम एस। तो ये कुछ नहीं है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी। बस फर्क ये है कि ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है, और ये सिर्फ ई आर एम एस की फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह यहीं पर मैग्नेटिक एनर्जी रिप्लेस कर दो, ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, और बी नॉट स्क्वायर बाई टू को क्या लिख सकते हैं, बी RMS। तो ये दोनों फॉर्मूलास क्या शो करते हैं आपको, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ई एंड बी। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलास को नोट करो।